देश भर में नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुआ, जहां जामा मस्जिद इलाके में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे, लेकिन देर रात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। चंद्रशेखर के दिल्ली में इस विरोध को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। दलितों के मसीहा के रूप में सामने आए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं। पिछले दिनों भी जब दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में हाथों में अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने तो जबरन गिरफ्तारी देकर भी बिल का कड़ा विरोध जताया। उनके इस विरोध से बीजेपी तो बौखलाए ही है, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी खासा नाराज नजर आ रही हैं, जिसे लेकर उन्होंने भीम आर्मी अध्यक्ष के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। मायावती ने एक ट्वीट में लिखा, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और अपनी जबरन गिरफ्तारी करवाता है, क्योंकि यहां जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी के लोगों से अपील की कि वो ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहे। वहीं उन्होंने अन्य ट्वीट में लिखा, दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। आपको बता दें कि मायावती खुद भी नागरिकता बिल की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो चंद्रशेखर के दिल्ली कूच से बेहद खफा है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि चंद्रशेखर की पहचान भी दलित नेता के तौर पर होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को उनके बढ़ते कदमों से डर लगने लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।